बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी सबाह तैयार। आप लोग देख रहे हैं सादिया रियाज यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग भी खेल खेलिए सुनिए, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली और हम जरा खेल खेल। आप सबको चांद रात मुबारक, को चांद रात मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। तो काफ़ी मज़े का ये ब्लॉग होने वाला है, काफ़ी अच्छे ब्लॉग होने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी मेहंदी लगवाने। हाथ जो खाली लग रही है अब भर जाएंगे कुछ देर बाद। तो मेरे लिए लाजमी, क्योंकि मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेहंदी लगवानी भी है, ठीक है। और अनुषा भंगन लग रही है इसलिए मन जो है अनुषा ठीक काम कर रही है करके रख दिया। अभी आप ही बना रही है पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा क्योंकि मुझे भूख लगी थी और आज बनाए कीमा बनाए ना मम्मा, तो कीमा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा मुझे पिज्ज़ा बना दो। तो जल्द से हम पिज्ज़ा खाते हैं और जाते हैं और शादी को दिखाती हूँ और बस मेहंदी लगवाते हैं, आपको भी दिखाऊंगी। आप भी कमेंट बताएंगे कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। अनुषा को आपने देख लिया, शादी को दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, शादी और अनुषा अलग जाएंगी मेहंदी लगाने, मैं अलग जाऊंगी, शादी और अनुषा जो जाएंगी वो अनुषा के लिए बनाएगी, मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। हाँ, अनुषा जो है क्लिप बनाएगी अपने मोबाइल से, फिर मैं उसको जोड़ देंगे हम दोनों, क्योंकि अनुषा की मेहंदी को शादिया की अनुषा बनाएगा, क्योंकि वो कहीं और जाएंगी। मैं जा जाऊँगी, मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छी लगने वाली है, ठीक है। तो मेरे साथ ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, शादिया को दिखाती हूँ, मिलते हैं डायरेक्ट पॉलर में। पिज्ज़ा चल रहा है शादी, मोबाइल की आवाज़। हाँ वाह वाह वाह, पिज्ज़ा खा रहे हैं सारे, खा रही सब पिज्ज़ा, कछुआ भी बना दी और हम लोग खा रहे हैं। ये पापा हैं, पापा अपने काम कर रहे हैं, पापा भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम मज़े करेंगे, ठीक है। ईद हो गई, मैंने कहा था 29 सो जाएंगे, कल चांद रात हो गई। ये मेरा ड्रेस है, हम सबके ड्रेस देख रहे हैं आप, ठीक है, दिखाओ। ये कल का तो नहीं है, क्या है ये ड्रेस करके अभी से ही दिखा दिया है। और बाबा परफ्यूम लगा रहे हैं जिसकी खुशबू इतनी तेज अच्छी आ रही है। सादिया के कहाँ गए, सादिया के ये एक ये है ड्रेस है, ठीक है। और एक ये है मेरी जान का, हाय, ठीक है। और ये मेरा है, ठीक है, इसका फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी ट्रांसमिशन वीडियो में, ब्लॉग कभी कभी 29 कभी 30 तो हो तो चलते रहता है। स्कूल वाला ना हमारे साथ सही नहीं, क्या बोलो। पहुँच के आपको दिखाऊंगी और क्या कहते हैं, अनुषा मेहंदी लेने गई, मेहंदी लेके आ जाए फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, फाइनली मेरे मेहंदी लग चुकी है, बड़ी जद्दोजहद से मेहंदी लगती है। ये चांद रात वाले दिन बहुत मुश्किलों से मेहंदी लगती है, चांद रात वाले दिन मेरे साथ भी बहुत मुश्किल से मेहंदी लगी, बट लग गई है, अल्लाह का शुक्र है, और मेहंदी बहुत अच्छी लगी। मेहंदी मेरे लग चुकी है बट मैं आपको दिखा नहीं सकी, वजह ये थी कि वहाँ पे एक तो ना क्या कहते हैं, मैं अकेली थी और मैं मेहंदी लगा रही थी, तो मेरे कौन तब वीडियो बनाता, तो ये मसला आ जाता, क्योंकि अनुषा जो बना के रहेगी ना, अगर आई भी नहीं भी आई, क्योंकि उसका मोबाइल घर पे छोड़ के गई है वो, कि प्रोडक्ट है चढ़वा देना इस पर मैं जा रही हूँ, तो उसका मोबाइल घर पे, अब आप ही मोबाइल गई है और आप ही का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है मोबाइल का, तो अब अनुषा बनाए या ना बनाए वो मुझे नहीं पता, तो मैं अपना बता देती हूँ। मैंने छोटा स्क्रिप बनाया तो आपने देख लिया होगा वो, ठीक है। और क्या कहते हैं, मेहंदी जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, यार इतनी हसीन मेहंदी लगी है इस बार मेरे, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इतने दिनों से मुझे लग रही थी क्या पता ये वजह, क्योंकि सीरियसली मैं अकेली गई थी मेहंदी लगवाने, मतलब मम्मा छोड़ के आई थी ऐसी नहीं, बट अकेली बैठी हुई थी, मेरी बहनें नहीं थी, वो गई हुई है उधर, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इतनी नर्वस हो रही थी अब अंदर ही अंदर कि इतनी देर बैठूंगी, क्योंकि रश तो हर जगह होता है, तो इस वजह से तो इतना रश था, तो फिर मैं बैठी रही, मेरे पास था मोबाइल, फिर मैंने अपना मोबाइल से गेम वेम खेले, वीडियोस देखी, तो मैंने ये टाइम तो गुजर गया। उसके बाद मेरे लगी मेहंदी, जो मुझे लगी इतनी हसीन, एक मैंने मोबाइल से देख के लगवाई और एक उन्होंने अपनी पसंद से लगाई, उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से लगा दूँ, मैंने कहा जी, क्योंकि एक जो हम ढूंढ के जाते हैं वाकई कुछ ज़्यादा ही चैन चैन और हार्ड होती है मेहंदियाँ, जो हम ढूंढते हैं हम कहते हैं आसान है, नहीं ऐसा नहीं है, उनके लिए होती है, तो मैंने कहा, उन्होंने ये देख के कहा इतनी मुश्किल, फिर मैंने कहा एक पे आप खुद अपनी तरफ से लगा दें कोई मसला नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे लगाई मेहंदी। अब मैं आपको अपना, मैंने बता दिया मेहंदी कैसे लगी, अब मैं आपको जल्द से अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रही, इतनी हसीन मेहंदी है, तो मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ। इस ब्लॉग पर अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, अच्छे कमेंट आने चाहिए, और कमेंट में लाजमी बताएंगे कि मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी, ठीक है। मेहंदी दिखाती हूँ, उसके बाद अनुषा आती है उसकी दिखाती हूँ, जो जो होगा चैनल को दिखाऊंगी, रात को ही ब्लॉग अपलोड करके मैं छोड़ दूंगी, तो व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, कमेंट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि मैं रात को इतनी मुश्किल से आपके लिए एडिटिंग करके इंशाल्लाह छोड़ दूंगी, ठीक है।
देख सकते हैं, लुक एट दिस यार, क्या सीन मेहंदी है, देख सकते हैं थोड़ी हट रही है, ये अभी हटने में लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। ये देख सकते हैं, एक ये रहेगी और एक और दिखाती हूँ, अरे एक ये रहेगी मेरी मेहंदी। अब आप कमेंट में बता दिएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे तो अपनी उस हाथ की अच्छी लगी है, ठीक है, आप लोग भी कमेंट में बता दिए, वैसे तो ये भी सही है, अच्छी है, थैंक यू। नूर भी ऐसा चेहरे पर आया हुआ, अल्लाह का शुक्र है रोजे रखने का, ठीक है। तो बस ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। ये मैंने चीज़ ऑमलेट बनाया है, वो भी पापा के लिए है ना पापा। असल बात ये है कि सुबह जो है हम उठ के तैयार वैयार रहेंगे, इसलिए मेहंदी अभी हमारी हल्की पड़ जाएंगी, काम किया तो हमने कहा रात, सिर्फ ये कमरा सुबह कर रहा है, ये कमरा भी साफ है, सिर्फ इसके इधर करेंगे, इसने कहा मुझे यही लगवानी छोटी छोटी सी और क्यूट क्यूट सी बच्चों जैसी। वाह वाह वाह, ये वाली बहुत ज़्यादा आपकी प्यारी लगी है, ये वाली पे इसने बड़ा गलत कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये इसने घर आके बनाया है। ये क्या हरकत है, और आपका रंग देखो और मेरा देखो, आपने ना जल्दी हटवा दी, जल्दी धो दी थी इस वजह से मुन्नी ना, मेरे हाथों पे काला स्थान नहीं। गुड है, ऑल गुड, हाँ मुन्नी मेरी तो कमाल की बच्ची, बदतमीजी जिद्दी लड़की जिद्दी बोलिए भी, मैंने बिल्कुल नहीं जाएगा। चांद रात है, काम कुछ ज़्यादा है, हम तैयार नहीं रहते चांद रात को, हम काम करवाते हैं अपनी अम्मी के साथ, हैं आप ही तो यही बात है, क्योंकि हम अपने घर को इतना साफ़ करते रहते हैं कि मेहमान आएंगे तो घर साफ हो जाए। कल है मेरी फुफ्फों की दावत, तो कल का भी काफ़ी अच्छा आने वाला है, तो जाके देखिएगा सुबह के लिए कितनी अच्छी लगेगी। मम्मा खीर चला, देख सकते हैं मम्मा से पूछना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वाह वाह, ये खीर के लिए दूध उबल रहा था, खीर बनी हुई है, जिसके आपको पता चढ़ी हुई है, अभी बनी नहीं है, बन रही है, जो आपको दिखे ना, ये देखें फुल ऑन टाइम काम चल रहा है। कल हम इसको डब्बे लाए, डब्बे में पैक करके बना पिश्ते डाल के अच्छे से पकाएंगे, मतलब अच्छे से करेंगे, वो आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कल के ही, ठीक है। शादी की नजर नहीं जिद आई, अच्छा ये आप ऐसे तैयारी भाई, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा सही है, नहीं तू देखो मेरा हाथ भी काट दिया। छोटी बहनों के ना नखरे भी ऐसे ही होते हैं, और छोटी बहनों के एक फायदे होते हैं, क्या अगर मतलब बाद में बताऊंगी। सदिया सुकून मिल रहा है आपको कमरे में, बाहर इतनी गर्मी है और कहा गया है कि गर्मी होगी, क्योंकि अक्सर ही है ना बाबा के सूट टके हैं वो, ठीक है बाबा की पागल है है। क्या किया यार आपने? I love you. मैं मिटा तो क्या अगर आप करोगी? नीचे ही रखो ना मुबारक। मुबारक नहीं रख रही। अच्छा दिल बना दे। दे मेरे तो। मैं डेकोरेट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? डेकोरेट। डेकोरेट होता है डेकोरेट। डेकोरेट तो बोलेगी। मेरी जान है। क्या बताया आपने? बोलना। आपके जो बम है ना शाम भाई, बम वो आपको फाड़ने नहीं आए। हाँ चलो भाई देखो, सादिया ने मेरे हाथ पे दिल भी लगा दिया, मुन्नी आपने मेरे हाथ बिगाड़ते हुए बिल्कुल आपको शर्मिंदगी महसूस। ये क्या बनाया? इस दिल को बुखार हो गया। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ क्या कर रही है, मेरा हाथ का बेड़ा गला खो रहा है इससे। इतना अच्छे अच्छे हाथों से ये दिल बना रही थी। प्यारे हाथ, प्यारी लड़की, सूट भी इतना अच्छा। मैंने क्या चाही? ट्रांसमिशन वीडियो कल मैं अपने चैनल पे छोड़ूंगी, तीनों आप देखिएगा, तीनों की अलग अलग आएगी, पहले मेरी आएगी, फिर अंशा की, फिर शादी की, के तीनों मनी लाइन से चलेंगे ना, पहले सबात आप ही बड़ी है, फिर अंशा आप ही है, फिर है सादिया पागल। चलो ठीक है, तो कशवा आप ही बड़ी है, तो कशवा आप ही की तो नहीं बनेंगी ना अपन, अपन मगर है तो वो ही बड़ी ना, आपने उसका नाम लेना चाहिए था। अच्छा भाई पहले आप ही है मेरी, उसके बाद मैं हूँ, थोड़ी तमीज से देख तेरी बड़ी बहनों। मेरी कितने साल बड़ी हो? अब गिनती हूँ कितने की है, कितने मुझे पता कितने की, हाँ मुझे पता है, पता है कितने क्यों
कुछ भी नहीं है, डी को सही कर दे। मैं डी का सही नहीं, आपका कशवापी से रिस्पॉन्स देती हूँ। आप ही इधर आओ, इसकी जो टीचर है ना कशवापी है, इसे पढ़ाती है, ऐसा सिखाया है, राइटिंग ऐसी है। ऊपर ना भाई टीचर, आप ही भाई क्या थी, मैंने मसी में वैसे लिखूंगी या उल्टा लिखूंगी ऐसी डाल। मैं अभी आपके भी हाथ बिगाड़ती हूँ, सब मैं बहुत अच्छी मंदी लगाती हूँ गाइस, अगर आपको लगवानी है तो आ जाइए। नहीं गाइस आप नहीं आएंगे, ये आपके हाथ बिगाड़ देगी, मेरे पे भी पता नहीं क्या क्या कर रही है। नाउज़ बिज़ा स्माइल फेस बना रही थी, चश्मा बन गया। चल बस। सो गाइस ये असल लुक है सादिया मुनी, यार वाकई आप ईद के टाइम पे मेरा हाथ बिगाड़ दिया, मेरे दोस्तों के साथ मैं जाऊँगी वो हंसेंगी, ये क्या करवा क्या गई है भाई, उन्हें क्या पता कि मेरी एक चुड़ैल बहन है उसने किया है। क्यों वो अनुषा के बट्टे भाई थे उन्हें, रुको ये शादी है वो मैं हूँ। ये मैं जोकर, ये मैं हूँ। आई मीन पापा को मैंने चीज ऑमलेट बना के दिया था, पता है आपको, ठीक है, पापा को इतना अच्छा लगा पापा को चीज वाला ऑमलेट, तब मुझे तो मैं आके दिया नहीं, नहीं आपको इसी नहीं बना के दिया, आप अच्छी नहीं हो, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। ईद के लिए है ना सादिया, चेवन अप इज माय फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और ये मेरा बर्गर आया जो मेरा चल रहा है अभी, ये देखें काफी अच्छा एक टंडे वाला बर्गर, मुझे भूख लग रही थी। हाँ मनी गड्डी देख रही है मेरे क्या करेगी, सब मैं आपको दिखाऊंगी। बे फालतू का चीखी है मम्मा, अनुषा आर्टिस्ट के साथ आप सब देख पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर रही थी अनुषा आर्टिस्ट के साथ। अच्छा अच्छा था, हम बहना खुद ही अपने ऊपर अनुषा आजमाते रहते हैं चीजें, है ना, चीज तो सही है मगर अनुषा सही नहीं है, करवाने वाली मेरी आप, ठीक है बाद में मिलते हैं, बाद में मिलूंगी आपको। मेरा ये सफ़र अच्छा लगा होगा जो पहले रमज़ान को शुरू किया था मैंने, और आखिरी रमज़ान मतलब चांद रात को इख्तिताम करा ही, ठीक है, इस सफ़र में पूरी होती थी, आप लोग पूरे नहीं होते, किसी ब्लॉग पे आपने ज़्यादा व्यूज़ दिए किसी पे कम दिए, मैं अपने वादे पे पूरी होती हूँ, मैंने रोज़ के रोज़ डेली ब्लॉगिंग की इन रमज़ानों में, थोड़ी लेट आया थोड़ी देर बट आया, ठीक है, तो कल पहली ईद है तो उसका ब्लॉग मैं छोड़ूंगी अपने चैनल पर, रात को आ जाएगा तकरीबन 10-11 बजे पर या उससे भी लेट हो जाएगा क्योंकि कल दावत है, तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग आना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि काफ़ी मज़ा आएगा कल, और कल फर्स्ट ईद है और मेरे ब्लॉगिंग में पहली बार मैं ईद कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ ईद पे, तो वो ज़्यादा अच्छी, तो आप देखिएगा मैं क्या क्या ईद पर करती हूँ, सारी अपनी रूटीन ईद की शेयर करूँगी, जो जो ईद पर होता है जो जो होता है सारा इस बार ईद पर जाऊँगी, अभी तो मेहंदी वहंदी सब डन है, घर भी बिल्कुल चमकता दमकता हो रहा है, तो उम्मीद आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाते जाएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हाफिज, कल मिलेंगे हम फर्स्ट ईद के ब्लॉग के साथ, अभी इस ब्लॉग पर आप प्यार बरसाइएगा, फिर कल मैं एक नया व्लॉग लेके आऊँगी, हाफिज।